हेलो गेमर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक हिडन अचीवमेंट जिसका नाम है आई एम सो अनलक्की, उसे कैसे कंप्लीट कर सकते हो। तो गाइस वीडियो को फुल जरूर देखना अगर आपको यह अचीवमेंट कंप्लीट करनी है। यहां पे आप देख सकते हो कि हमारी आई एम सो अनलक्की वाली अचीवमेंट कम्प्लीट हो चुकी है दूसरी आई डी में भी। गाइज मैंने अपनी मेन आई डी में जो अचीवमेंट कब की कम्प्लीट कर ली और यहाँ पर गाइज मैंने अपनी दूसरी आई डी में भी जो अचीवमेंट कम्प्लीट कर ली, ताकि गाइज मैं आपको बता सकूँ कि आप लोग भाई कैसे इस अचीवमेंट को सबसे आसान तरीके कैसे कर सको कंप्लीट। क्योंकि गाइस काफ़ी सारे यूट्यूबर ने इस पर अलग अलग वीडियो बना के आपको पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है। कोई बोलता है कि आपको 10 किल करने हैं, कोई बोलता है 6 किल करने हैं, 600 का डैमेज देना है, कोई बोलता है 16 किल करने हैं। किसी को भी गाइस इस अचीवमेंट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है। कुछ भी जो भी मन में आता है उनके वो बोल देते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। तो आपका भाई भाई आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा और बताएगा कि आप कैसे इस अचीवमेंट को ईजिली कम्प्लीट कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ यार, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, क्या कर रहे हो। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे चैनल पे 10 रॉयल पास के गिव अवे चल रहे थे उसका रिजल्ट गाइस हमने निकाल दिया, नहीं देखा होगा तो देख लेना। एंड गाइस अब से हम आपको हर वीक देंगे अपने एक वीडियो में यूसी का रिडीम कोड, जिसे रिडीम करके गाइस आपको मिनिमम 324 यूसी देखने को मिल जाएगी। अभी गाइस हम बात करते हैं कि आई एम सो अनलक्की वाले अचीवमेंट आप इजीली कंप्लीट कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए गाइस आप को स्क्वाड में खेलना पड़ेगा या फिर डुओ में खेलना पड़ेगा। सोलो में भी कर सकते हो लेकिन गाइस सोलो में ये इजी नहीं होगा। अगर गाइस आपके पास स्क्वाड नहीं है इस अचीवमेंट को कंप्लीट करने के लिए या फिर कोई बंदा नहीं है डुओ में खेलने के लिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो वहां पर अपनी आई डी शेयर करके, तो आप गाइज इजिली इस अचीवमेंट को कंप्लीट कर लोगे। एंड गाइज अगर आप सोलो में इस अचीवमेंट को कंप्लीट करने जाते हो तो आपको मिनिमम 15 प्लेयर्स को गाइज डैमेज देना पड़ेगा। ये गाइज एवरेज है, ऐसा नहीं है गाइज कंफर्म आपको 15 प्लेयर को डैमेज देना है या 16 को देना है, 6 को देना है। ये गाइज एक एवरेज है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 प्लेयर को गाइज आपको मिनिमम डैमेज देना पड़ेगा। डैमेज मतलब गाइज उनको एक शॉट मारनी पड़ेगी आपको गन की, उनको गाइज फिनिश नहीं करना है। ध्यान रखना कि आपको उसका किल ना मिले, क्योंकि गाइज इस अचीवमेंट का जो नाम वो है आई एम सो अनलक्की। जैसे गाइज आप सबको पता है कि जब हम किसी प्लेयर को मारने जाते हैं तो हमारे जो टीममेट रहते हैं वो हमारे किल चोरी कर लेते हैं और डैमेज हमारा ज़्यादा रहता है। वैसे ही गाइज इस अचीवमेंट को कंप्लीट करना आपका सिर्फ डैमेज होना चाहिए, किल एक भी नहीं होना चाहिए। अगर गाइज आप सोलो में करना चाहते हो तो ईजिली कर सकते हो, लेकिन गाइज वहाँ पर आपको मैंने जैसे कि बताया मिनिमम गाइज 15 बंदों को डैमेज देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसलिए गाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सोलो में करो, यहाँ पर मैं गाइज आपको बोलूँगा कि आप डुओ में या फिर स्क्वाड में करना। यहाँ पे गाइज मैंने इस अचीवमेंट को कंप्लीट करने के लिए डुओ वर्सेस स्क्वाड लगा लिया है और ऑटो मैचिंग बंद कर दी है। आप चाहो तो गाइज स्क्वाड में भी खेल सकते हो, लेकिन गाइज अगर आप डुओ वर्सेस स्क्वाड खेलते हो तो ऑटो मैचिंग जो है वो बंद रखना। तो यहाँ पे गाइज आपको करना है क्या, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको अपनी अचीवमेंट कंप्लीट करनी है तो अपने टीममेट को बोलना है कि भाई तू बोट मिले या फिर बंदे मिले, जो भी मिले उनको नॉक करता चल। आपको गाइज फिनिश करना है, आपके प्लेयर को सिर्फ उन्हें नॉक करना है और जिसे अचीवमेंट कंप्लीट करनी है वो जाके उसे फिनिश करना होगा उसे। तो जैसे गाइज यहाँ पे देखिए मेरा टीममेट नॉक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जाके प्लेयर्स को फिनिश कर दे रहा हूँ। ऐसे ही गाइज मैं यहाँ पे डैमेज दे रहा हूँ इन प्लेयर्स को। एंड गाइज ध्यान रखना कि अगर आपको बोट लॉबी चाहिए तो हो सके तो अपने टीममेट को बोलना एक न्यू आईडी बना ले ब्रॉन्ज टायर जिसमें हो उसका, जिससे गाइज आपको मैच में ज़्यादा से ज़्यादा बोट देखने को मिले। अगर गाइज आप बोट लॉबी नहीं लगा पा रहे हो तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो कि बोट लॉबी कैसे लगाएं, तो आपको काफी वीडियो देखने को मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से गाइस आप बोट लॉबी में जाके इस अचीवमेंट को इजीली कंप्लीट कर सकते हो। यहां पे गाइस आपको कुछ नहीं करना है, जो भी काम रहेगा आपके टीममेट का रहेगा। जैसे कि यहां पे देखिए मेरा टीममेट मेरी पूरी हेल्प कर रहा है, यहां पे वो बोट या फिर बंदे जो भी मिल रहे हैं उन्हें नॉक करता जा रहा हूं, मैं उन्हें फिनिश करता जा रहा हूं। बस गाइस आपको ध्यान रखना कि आपको यहां पे एक भी किल नहीं करना है। एंड गाइस यहां पे मैंने अभी काफी सारे बोट को डैमेज दे दिया है और मेरे प्लेयर्स ने भी काफी ज्यादा किल कर लिए हैं, बट गाइस यहां पे मैं एग्जिट नहीं करूंगा। जितना हो सके गाइज मैं उतना करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गाइज कोई आइडिया नहीं है ये अचीवमेंट कब आपकी कंप्लीट हो जाए। इसलिए गाइज आप कोशिश कीजिएगा जब आप मैच में रहो तो जितना हो सके उतना डैमेज दे सको। इस तरह से गाइज आप इजीली इस अचीवमेंट को कंप्लीट कर पाओगे। बस गाइज इतना करना है आपको, जो भी आपका टीममेट रहेगा उसको बोलना है कि सामने वाले टीम के प्लेयर को नॉक कर दे और गाइज आप उन्हें जाके फिनिश कर दो। बस गाइज आपको किसी को भी फिनिश नहीं करना है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि मेरे सामने बोट है तो मैं इसे मार नहीं रहा हूँ, जब गाइज मेरा टीममेट इसे नॉक कर देगा तब गाइज मैं इसे फिनिश करूंगा। तो ऐसे ही गाइज मैं करता गया। यहाँ पे गाइज मैंने सोचा कि अभी हमारा जो अचीवमेंट है वो कंप्लीट हो गया होगा, हम एग्जिट कर देते हैं, बट गाइज मेरे टीममेट ने मुझे मना कर दिया। उसने बोला कि
जब तक भाई मैच चल रहा है तब तक हम कर लेते हैं यार, हमारा क्या जाता है। तो मैंने भी कहा भाई सही बात है यार, जब तक मैच चल रहा है तब तक हम कर लेते हैं जितना हो सके, उतना गाइज मैं डैमेज दे लेता हूँ यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे हमने काफी प्लेयर्स को डैमेज दिया। यहाँ पे गाइज मुझे अंदर से फीलिंग आने लग पड़ी कि हमारी जो अचीवमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए गाइज हमने बग्गी को ब्लास्ट करके एक दूसरे को नॉक कर दिया। बट गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी कि मैं भाई यहाँ से बाहर ही नहीं गया, यहाँ पे भाई स्क्रीन रुक गई। यहाँ से गाइज मैं एग्जिट करके बाहर जा सकता था लेकिन मैंने एग्जिट नहीं किया, हो सकता है कि एग्जिट करने पर हमारी अचीवमेंट कंप्लीट नहीं होती, इसलिए गाइज मैंने बैकग्राउंड से गेम हटा के फिर से ओपन किया। उसके बाद गाइज हम गए अचीवमेंट में और यहाँ पे भाई साहब आप देख सकते हो कि हमारी जो अचीवमेंट है आई एम सो अनलकी ये कंप्लीट हो चुकी है। एंड गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखा भी नहीं पाया कि मैंने कितना डैमेज दिया था, मेरे टीममेट ने कितने किल किए थे। तो गाइज अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कैरियर रिजल्ट में ताकि गाइज मैं आपको दिखा सकूँ वहाँ पे मेरा डैमेज कितना था इस मैच में एंड गाइज मेरे टीममेट ने कितने किल किए थे, क्योंकि गाइज हम मैच में फंस गए थे जिसकी वजह से आप देख नहीं पाएंगे कि मेरा डैमेज कितना था, मेरे टीममेट के कितने किल थे। यहाँ पे गाइज मैं आपको अगेन बता दूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आपका भी इतना ही डैमेज होना चाहिए जितना मेरा है या फिर आपके टीममेट के इतने ही किल होने चाहिए जितने मेरे टीममेट के हैं, कम ज्यादा में भी गाइज आप ये अचीवमेंट इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ये गाइज जरूरी नहीं है, यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो कि मेरे टीममेट के 21 किल है और यहाँ पे गाइज मेरा 0 किल है 1200 डैमेज के साथ। तो यहाँ पे गाइज हमारी ये जो अचीवमेंट है कंप्लीट हो चुकी है जैसे कि आपने देख लिया। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि आप अपने स्क्वाड के साथ कीजिएगा, हो सके तो उन्हें बोलिएगा कि ब्रॉन्ज टायर वाली आईडी से आ जाइए, वो गाइज नॉक करते जाएंगे और आप उन्हें फिनिश करते जाएंगे, जैसे अचीवमेंट कंप्लीट करनी होगी इजिली गाइज अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगी। मन में गाइज ये लेके बिल्कुल मत चलना कि 600 डैमेज देना है या फिर 15 किल करने हैं 16 किल करने हैं, ऐसा गाइज कुछ भी नहीं है। सब लोग गाइज जो मन में आता है वो बोल देते हैं, क्योंकि गाइज कोई भी बंदा सोलो में खेल के 15-16 किल नहीं करने वाला, उनको पता है, और कर भी लेगा तो वो एक से आधा ही होगा, मतलब कि एक से दो लोग ही होंगे, वो गाइज उस चैनल पर कमेंट भी नहीं करेंगे कि हमारी अचीवमेंट कंप्लीट हुई कि नहीं, इसलिए गाइज जिसके मन में जो आता है वो आपको बोल के चला जाता है। इजिली गाइज आप इस अचीवमेंट को कंप्लीट कर सकते हो स्क्वाड में खेल के या फिर डुओ में खेल के, बस गाइज अपने टीममेट को बोलना है कि नॉक करो, फिनिश मत करे, वो फिनिश आप कीजिए इजिली अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अगर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।